सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में डिज्नी की लेटेस्ट मूवी जंगल क्रूज को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में ड्वेन जॉनसन AKA द रॉक है, तो आप सिंपल सी बात समझ गए होंगे कि पूरी मूवी फुल ऑन एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी से भरी हुई है। ये मूवी आप थिएटर्स में और डिज्नी प्लस पर देख सकते हैं, लेकिन डिज्नी प्लस पर देखने के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि अर्ली एक्सेस के कारण आपको एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मूवी शुरू होती है 16वीं सदी में। एक स्पेनिश रिसर्चर होता है, वो साउथ अमेरिका आता है टीयर्स ऑफ मून के नाम के एक पेड़ को ढूंढने, जिससे किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। जब वो वहाँ पर जंगल में आते हैं तो सभी लोग घायल होने लग जाते हैं और मरने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ के आदिवासी उन्हें बचा लेते हैं उसी पेड़ की मदद से। जब वो पेड़ के बारे में पूछते हैं तो आदिवासी बताने से मना कर देते हैं, तो वो उन पर हमला कर देते हैं, उन्हें मारते हैं और गांव को नष्ट कर देते हैं। तो उन्हें श्राप मिलता है और वो हमेशा के लिए वहीं पर बंद हो जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है 1916 में लंदन से। डॉक्टर लिली और उसका भाई मैकग्रेगर रॉयल फैमिली के मेंबर होते हैं। जब वो सबके सामने बताते हैं कि वो ये चीज़ रिसर्च करेंगे तो वो उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन वो दोनों करना चाहते थे। तो डॉक्टर लिली होती है वो म्यूजियम से एरो हेड चुरा लेती है और वहाँ से वो भाग जाते हैं साउथ अमेरिका के लिए, लेकिन उनके पीछे जर्मन प्रिंस भी चला जाता है जिसे भी वो सभी चीज़ें चाहिए थी। वो साउथ अमेरिका आते हैं, उन्हें फ्रैंक वुल्फ मिलता है जो कि एक गाइड होता है और उसके पास एक पानी वाली नाव होती है और वो उसका ओनर होता है। वो झूठी कहानी बनाता है, खतरनाक कहानी, और अपने आप को हीरो दिखाता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसके साथ काम करे। वो लिली को भी झूठ बोलता है कि वो यहाँ का ओनर है, लेकिन बाद में लिली को पता चल जाता है। लेकिन फ्रैंक लिली के गले में एरो हेड देखता है और उसे कहता है कि नहीं, वही जाएगा और वो रुपए कम कर देगा। तो वो उसे सिलेक्ट कर लेती है और वो वहाँ से निकलने को तैयार होते हैं। तब उन पर सबमरीन से अटैक होता है जो करवाता है जर्मन प्रिंस, लेकिन वो वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन जर्मन प्रिंस इससे और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जिनको श्राप मिला था वो उन्हें के पास चला जाता है और उनसे शर्त करता है कि वो वहाँ पर उन्हें फ्री करेगा अगर वो फ्रैंक वुल्फ को और डॉक्टर लिली को और उसके भाई को पकड़ कर लाएंगे, जो उनके पास एरो हेड है वो उसे दे देंगे तो वो उन्हें फ्री कराएगा। डॉक्टर लिली फ्रैंक के कैबिन में चली जाती है और उसे सब पता चल जाता है। तो फ्रैंक उसे बताता है कि पहले वो भी इसी पेड़ के लिए खोज के लिए निकला था, लेकिन वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाया, ये इसने काफ़ी समय पहले छोड़ दिया है। तभी वहाँ पर जंगली आदिवासी हमला कर देते हैं और उन्हें उठा ले जाते हैं और डॉक्टर लिली से एरो हेड मांगते हैं तो वो देने से मना कर देती है और बाद में पता चलता है कि वो फ्रैंक के ही साथी थे। तभी उन पर श्रापित लोग हमला करते हैं और फ्रैंक को घायल कर देते हैं तलवार से, लेकिन लिली जब उसे अगले दिन देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। फिर वो उन्हें अपनी सारी सच्चाई बताता है कि वो उन्हीं के साथ 16वीं सदी में इस पेड़ को ढूंढने के लिए आया था और उसका नाम फ्रांसिस्को था, लेकिन जब उन्होंने इस गांव पर हमला किया तो उनके खिलाफ हो गया था, उन्हें बचाने के लिए खड़ा हो गया था, लेकिन उसे भी ये श्राप मिला है तो वो अभी भी नदी के पास ही रहता है। उसकी उम्र 360 साल से ज़्यादा है। इसी के दौरान वो आगे बढ़ते हैं और उस जगह तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहां पर जर्मन प्रिंस भी आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। वो पेड़ को वापस जीवित कर भी देते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण वो सिर्फ एक फूल बचा पाते हैं। इसी के दौरान लड़ाई में लिली का भाई जर्मन प्रिंस को मार देता है, वो भी ना चाहते हुए, और फ्रैंक लिली को बचाने के लिए पानी का रास्ता बंद कर देता है जिससे जंगल उन्हें वापस जकड़ लेगा और वो जकड़े जाते हैं और पुतले में बन जाते हैं। उन सभी के साथ साथ फ्रैंक भी पुतला बन जाता है, लेकिन जो लिली होती है उस आखिरी फूल से फ्रैंक को बचाने की कोशिश करती है और वो बच जाता है और उसका श्राप खत्म हो जाता है। लेकिन अचानक तभी पेड़ से एक और फूल निकल आता है, थोड़ी सी चांद की रोशनी आने के कारण, जो लिली उसे लेकर अपनी आगे रिसर्च बढ़ाती है जिससे लोगों की वो हेल्प कर सके। फ्रैंक लिली के साथ लंदन आ जाता है और वो उसे ड्राइविंग सिखाती है और उसके साथ रहकर उसे के जैसा मजाक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर मूवी की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी मूवी की पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सजेशन दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। तो आप ये मूवी देखिए, मुझे तो बहुत पसंद आई, तो आप सबको भी बहुत पसंद आएगी।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।